हाई एवरी वन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट नंबर 2 पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग टेस्ट नंबर 3 विद यू। चैप्टर्स कवर्ड होंगे इसमें IFOS, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। आई बिलीव कि आपको टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही होंगी। नॉट ओनली माई टेस्ट सीरीज, बीट ऑफ एनी फैकल्टी, जिनसे भी आपने क्लासेस ली हैं, आप प्लीज़ ये टेस्ट सीरीज ज़रूर किया कीजिए। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs, एक्चुअली जब ये आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है या फिर हमसे वो प्रेजेंटेशन किस तरह की एक्सपेक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3, IFOS, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन आई विल डिस्कस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, इसका सॉल्यूशन भी आपको वहां से मिल जाएगा। ऋषभ रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 50,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है तो यू अंडरस्टैंड कि अगर वो 5,000 रुपीज से ज्यादा का है देन इट बिकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। 1,00,000 फ्रॉम मदर्स सिस्टर, ठीक है, इनको अपनी मदर की सिस्टर मतलब मौसी से गिफ्ट मिला है तो यू अंडरस्टैंड दिस इज अगेन फ्रॉम रिलेटिव पर्सन तो ये एग्जेम्प्ट होगा। 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, मैरिज पर तो आपको कहीं से भी गिफ्ट मिले तो दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट। 60,000 इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कितना टैक्सेबल होने वाला है। फर्स्ट वाला तो सैलरी में जाएगा बट बाकी के तीनों एग्जेम्प्ट हैं तो IFOS में तो कुछ नहीं आ पाएगा, द आंसर वुड बी ए, नल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स टू पवन एट ₹18 पर शेयर व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वॉज डिटरमाइंड एट ₹11 पर शेयर। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको याद होगा सेक्शन 56 में हम लोग ऐसी बातें पढ़ते हैं, जब एक प्राइवेट कंपनी दैट इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इशू करती है एट प्रीमियम, ठीक है, नॉर्मली फेस वैल्यू हम लोग ₹10 मानते हैं तो इसको ये प्रीमियम पर इशू कर रही है एंड विच इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो जितना वो फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस है उतनी इनकम हम बना देते हैं इन द हैंड्स ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। तो ₹11 की फेयर मार्केट वैल्यू थी, द इशू प्राइस इज 18, तो ₹7 पर शेयर की इनकम होगी कंपनी के लिए एंड बिकॉज देर आर 10,000 शेयर्स तो 7 × 10,000 दैट मेक 70,000, 70,000 की इनकम हो जाएगी कंपनी के हाथों में, द आंसर वुड बी ए इन दिस केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज मिस सितारा इज इन रिसीट ऑफ फैमिली पेंशन 15,000 पर मंथ, यू अंडरस्टैंड, अगर पेंशन मिलती है एम्प्लॉई को या एक्स एम्प्लॉई को फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर तो दैट इज सैलरी, बट अगर फैमिली मेंबर्स को मिलती है तो इट बिकम्स योर IFOS इनकम और उसमें से हम कितना एग्जेम्प्ट करते हैं, 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो 15,000 पर मंथ यहाँ पर पेंशन मिल रही है, कितना टैक्सेबल होगा, तो आप 15,000 × 12 करेंगे दैट इज 1,80,000, उसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो 15,000 लोअर आने वाला है तो 180 − 15, 165 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, द आंसर वुड बी सी ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज रवि इनकर्ड लॉस ऑफ 4,00,000 इन द प्रीवियस ईयर 1920 इन रिटेल ट्रेड बिजनेस, PGBP का लॉस है 4,00,000 रुपीज़ का, सेट ऑफ हो सकता है, हाँ सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी को छोड़कर सभी से सेट ऑफ हो जाता है PGBP का लॉस, ऑब्वियसली कैजुअल इनकम से तो कुछ सेट ऑफ होता नहीं है। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ सच लॉस, ये 4,00,000 का लॉस हम कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं, कि हम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 फ्रॉम होलसेल क्लोथ बिजनेस से कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं, मतलब यहाँ पर 1,00,000 की प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, 1,00,000 तो यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं बिकॉज PGBP का लॉस दूसरे PGBP की इनकम से आराम से सेट ऑफ हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1.5 लाख सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, हाँ PGBP का लॉस तो सैलरी और कैजुअल इनकम के अलावा सबसे हो जाता है, हाँ अगर रिवर्स होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो बट PGBP के लॉस को वाइस वर्सा कर सकते हो फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ए से भी हो सकता है बी से भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस से हो सकता है सेट ऑफ
बट स्पेकुलेटिव का लॉस नॉर्मल बिजनेस लॉस इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है, ठीक है? तो अभी तो हम ए बी और सी तीनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, द आंसर वुड बी डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? इजी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू सैलरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, हम लोग जानते हैं कि एमएलए या एमपी को जब सैलरी मिलती है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है या डेली अलाउंस मिलता है दैट इज एन एग्जेम्प्ट अलाउंस, उसको एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है। मेनली ये क्यों मिलता है कि वो अपने एरिया में जगह जगह पर देख सके कि उनकी लोकेलिटी में उनके एरिया में क्या हो रहा है, तो दैट इज द रीजन उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी या डेली अलाउंस मिलते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट। तो देखते हैं कि कौन सा ठीक लग रहा है, ए तो ठीक नहीं होगा, ये कहते हैं कि सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, नो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस, बिकॉज नाम सैलरी होने से सैलरी नहीं हो जाएगा, उसके लिए इम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है? तो ए तो ठीक नहीं है, ओनली सैलरी कंपोनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड में तो होगा ही नहीं, बी भी ठीक नहीं लग रहा, ओनली सैलरी कंपोनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस आर एग्जेम्प्ट, सी बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक बार डी को भी रीड आउट कर लेते हैं, हिज सैलरी कंपोनेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इज टैक्सेबल, नहीं जी डी तो गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 सेज Jenny has invested in debt securities and Haryali Private Limited, a company deriving its main source of income from business of growing and processing organic vegetables and fruits. Okay, एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, अगर वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है तो कंपनी की इनकम तो एग्जेम्प्ट होगी बिकॉज दे आर डूइंग एग्रीकल्चर बिजनेस, बट जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? द आंसर इज नो, बिकॉज उनके इन्वेस्टर्स को जो इनकम मिल रही है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो तो एग्रीकल्चर से नहीं मिल रही, वो किस वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टर्स की इनकम तो टैक्सेबल होती है, कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर बिजनेस एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दे बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है उसके ओनर्स अलग हैं, तो कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है बट उनके ओनर्स की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है? तो लिखा हुआ है द कंपनी हैज 80% इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड 20% फ्रॉम बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 जेनी मतलब इन्वेस्टर है ये डिराइव 5000 एज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द अबव इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑन टैक्सेबिलिटी। तो 5000 रुपीज पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा जेनी के हाथों में बिकॉज दिस इज इंटरेस्ट इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है बट इन्वेस्टर्स की नहीं, ठीक है? तो लिखा हुआ है ए इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट, नहीं एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट विल बी फुली टैक्सेबल, इंटरेस्ट विल बी फुली एग्जेम्प्ट, सी पॉइंट बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट इनकम विल बी फुली टैक्सेबल, ठीक है? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन सेज किशोर सेलिब्रेटेड हिज 50th मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज नहीं है मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है? मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं तो टैक्सेबल हो जाते हैं 50,000 से ऊपर हो तो। ऑन दिस ओकेजन हिज वाइफ रिसीव्ड अ डायमंड नेकलेस वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम किशोर्स ब्रदर, ओके किशोर्स के ब्रदर के साथ वो तो रिलेटेड में आता है, तो 5 लाख रुपीज का जो नेकलेस मिला है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन मिला है दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट। किशोर सन गिफ्टेड हिम अ लग्जूरियस कार वर्थ ₹15 लाख, ठीक है? यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि यहाँ पर किशोर का बेटा तो खुद ही अपने बेटे से मिला है दैट इज अगेन अ रिलेटेड पर्सन। हिज ग्रैंड चिल्ड्रन गिफ्टेड देम अ न्यू फर्नीचर सेट वर्थ ₹3 लाख, अगेन ग्रैंड चिल्ड्रन रिलेटेड में आता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ऑल्सो ही रिसीव्ड कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड अमाउंटिंग कलेक्टिवली टू ₹80,000, विच ऑफ देम वुड बी स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू ऑन टैक्सेबिलिटी। अब जो कैश गिफ्ट मिले हैं फ्रेंड से, जो फ्रेंड से कैश गिफ्ट मिले हैं मिस्टर किशोर को अपनी एनिवर्सरी पर, दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज ये 50,000 से एग्रीगेट ज़्यादा है कैश गिफ्ट का, तो 50,000 से ज़्यादा है 80,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ किशोर। ऑल्दो ये किशोर और इनकी वाइफ को दोनों को कलेक्टिवली मिला है बट हम किसी एक के हाथों में टैक्सेबल करते हैं, ठीक है? तो किशोर के हाथों में हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल कर सकते हैं। और मैं एक और दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि अगर कार गिफ्ट में मिलती है या फर्नीचर गिफ्ट में मिलता है
दिस इज अगेन नॉट टैक्सेबल. हम लोग जब सेक्शन 56 पढ़ते हैं, ठीक है, गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैश गिफ्ट 50,000 से ऊपर मिलते हैं तो टैक्सेबल होते हैं, इमूवेबल गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं, मूवेबल गिफ्ट्स जो कि कैपिटल असेट्स हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, मूवेबल गिफ्ट्स अगर हमें मिलते हैं 50,000 से ऊपर भी से इट इज़ टैक्सेबल, बट प्रोवाइडेड दे मस्ट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल असेट्स. अगर वो कैपिटल असेट्स नहीं हैं तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल. तो यहाँ पर कार मिली है या फिर फर्नीचर मिला है तो दैट इज़ नॉट अ कैपिटल असेट. ये तो किसी से भी मिलता इसको टैक्सेबल नहीं करते. हाँ, पर डायमंड नेकलेस मिला है, ज्वेलरी, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ कैपिटल असेट, तो उसको टैक्सेबल कर देते, बट रीज़न बींग ये रिलेटिव से मिला है इसलिए टैक्सेबल नहीं करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 80,000 रुपीज़ टैक्सेबल कर दीजिएगा तो डी पॉइंट ठीक आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सेज अशोक टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31st August 2019 बुक्ड बाय हिम 3 years बैक एट ₹25 लाख. ओके, अशोक ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो 3 साल पहले इन्होंने बुक कराई थी 25 लाख में. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द प्रॉपर्टी एज ऑन 31st August 2019 इज 31 लाख. अच्छा, सस्ती खरीदी है प्रॉपर्टी, सस्ती तो खरीदी है, स्टैम्प वैल्यू से कम में खरीदी है तो इनकम बन जाएगी, बट हमें स्टैम्प वैल्यू कौन सी लेनी होती है, इनकेस देर इज अ प्रायर डेट एग्रीमेंट और साथ साथ में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन दी हो, लाइक अकाउंट पे चेक, तो फिर हम एग्रीमेंट डेट की स्टैम्प वैल्यू देखते हैं. तो 25 लाख और 31 लाख को कंपेयर अभी देखते हैं, 31 लाख को लेंगे या दूसरी स्टैम्प वैल्यू लेंगे एग्रीमेंट डेट वाली, तो डिपेंड करता है, जरा देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग इट वॉज 29 लाख, 29 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी ज़्यादा है. ही हैज़ पेड 2 लाख बाय अकाउंट पे चेक. देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि डाउन पेमेंट करते समय इन्होंने, बुकिंग करते समय अकाउंट पे चेक से पैसे दिए थे. तो कुछ भी अगर आपने पार्ट पेमेंट भी अगर अकाउंट पे चेक या बैंकिंग ट्रांजेक्शन की थी तो हम आपकी स्टैम्प वैल्यू लेंगे एग्रीमेंट डेट की. तो एग्रीमेंट डेट की स्टैम्प वैल्यू 29 लाख है और आपने इसको खरीदा है यहाँ पर एसएससी ने 25 लाख का, यहाँ पर 4 लाख सस्ता खरीदा गया है. ठीक है, 5% से भी ज़्यादा वेरिएशन है इस केस में, तो 4 लाख इनकम बन जाएगी. ठीक है, और 4 लाख कब इनकम बनेगी, जिस साल ये खरीदा गया है उस साल ये इनकम आ जाएगी. तो 4 लाख इन प्रीवियस ईयर 1920, 4 लाख इन 1617, 6 लाख तो नहीं आ रहा, नो इनकम शुड बी टैक्सेबल, ए आंसर ठीक है, 4 लाख इन प्रीवियस ईयर 1920. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर आर एफ गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹50 लाख टू हिज वाइफ गीता, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ. ओके, ठीक है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया, वाइफ ने सन्स वाइफ को गिफ्ट दिया. ठीक है, क्लबिंग के प्रोविजंस लगा देंगे, ये इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी, ये वाली इनकम फिर वापस क्लब हो जाएगी. द हाउस वॉज लेट आउट एट ₹25,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने वाली है किसके हाथों में, आर एफ के हाथों में. ठीक है, क्लबिंग हो जाएगी यहाँ पर. अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कह रहा है क्वेश्चन में या रेंट कह रहा है. यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज लेट आउट एट 25,000 पर मंथ रेंट. ठीक है, लेट आउट करा गया 25,000 में, तो यहाँ से आपकी जीएवी निकलेगी. ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं है तो वही एनएवी हो जाएगी, 25,000 × 12 एनएवी होगा. 24A की डिडक्शन दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़रूर दीजिएगा. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते और सीधा बोल देते हैं कि 25,000 × वो कहते हैं सर क्लबिंग के प्रोविजन तो सही लगाए, अरे बट हाउस प्रॉपर्टी भी तो ठीक लगाइए ना. ठीक है, तो 25,000 × 12 दैट मेक्स 3 लाख हमारा एनएवी आएगा. 24A की डिडक्शन जाएगी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 90,000 चला जाएगा तो 2,10,000 आएगा. तो 2,10,000 रुपीज़ प्लीज़ इनकम बनाइएगा मिस्टर आर एफ की अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है. कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ए करेंगे तो वो ठीक नहीं है बिकॉज वो रेंट है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी है. तो ये क्वेश्चन क्लबिंग का भी है और हाउस प्रॉपर्टी का दोनों का है. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज मिस्टर रवि इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4 लाख इन प्रीवियस ईयर 1920 इन अ लेदर बिजनेस. 4 लाख का लॉस है पीजीबीपी का, नॉर्मल बिजनेस है, स्पेकुलेटिव नहीं है. अगेंस्ट विच द फॉलोइंग इनकम अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ. प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम अपेरल बिजनेस, हाँ हो सकता है, एक पीजीबीपी का लॉस दूसरे पीजीबीपी इनकम से हो सकता है यहाँ से.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 लाख ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, इससे भी हो सकता है। सैलरी इनकम 1 लाख, नहीं सैलरी से नहीं हो सकता, पीजीबीपी का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो 1 और 2 से हो जाएगा, डी आंसर ठीक है, बोथ 1 एंड 2। 11th, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 1920 मिस्टर ए हैज अ लॉस ऑफ 8 लाख अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से 8 लाख का लॉस आया है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हो तो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम से वो सेट ऑफ हो सकता है। इनकेस अगर आपको दूसरे हेड सेट ऑफ करना है तो इट शुड बी मैक्सिमम 2 लाख, याद है आपको? ओके, तो 8 लाख का लॉस आया विच कुड नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71। ठीक है, सेट ऑफ नहीं हो रहा है, मान लेते हैं दूसरी इनकम नहीं है। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) इन केस ऑफ मिस्टर ए हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ड्यू डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है, एंड मिस्टर ए फॉरगॉट टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द सेट ड्यू डेट। हाउएवर मिस्टर ए फाइल हिज बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, इन्होंने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है। नाउ व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 मिस्टर ए विश टू सेट ऑफ द लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 1920, डिटरमाइन वेदर मिस्टर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ। तो क्वेश्चन ये है कि हम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर हमने लेट रिटर्न फाइल करी है तो क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि लॉसेस अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट उसकी एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? वन ऑफ द एक्सेप्शन इज हाउस प्रॉपर्टी। इनकेस अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो, इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड लेट, तो भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट रिलेट्स टू हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन 20th 10 2019 पी हु अ माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ रुपीज 20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। ओके, ठीक है, एक बच्चे को गिफ्ट मिला है, माइनर को अगर गिफ्ट मिला है तो ये इनकी स्किल से इनकम नहीं है, कोई फिजिकल लेबर से इनकम नहीं है, चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, तो ऐसी इनकम को आप क्लब करते हो। ठीक है, किसके हाथों में? एनी ऑफ द पेरेंट हुज इनकम बिफोर सच क्लबिंग इज हायर। याद आता है आपको क्लबिंग के प्रोविजंस? ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन पी हूज बैंक अकाउंट, ऑन द सेट डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 13,000 वॉज अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। अब ये देखिए, इंटरेस्ट भी जो अर्न हुआ है वो किसी स्किल से या नॉलेज से, फिजिकल लेबर से, माइनर चाइल्ड की नहीं हुआ है, ये भी क्लब हो जाएगा। तो 20 लाख भी क्लब करोगे और 13,000 भी क्लब करोगे, और आपको पता है कि जब आप माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करते हो किसी भी एक पेरेंट के हाथों में, तो यू गिव अ डिडक्शन ऑफ 1500 पर चाइल्ड। तो यहाँ पर 20,000 प्लस 13,000 माइनस 1500, तो दैट विल मेक 20 लाख 11,500, उतना टैक्सेबल कीजिएगा। ठीक है, तो 20 लाख 11,500 विल बी टैक्स ऑन द पी हूज फादर, या 20 लाख 13,000 तो सही नहीं है, ये ठीक लग रहा है सी पॉइंट। 20 लाख 11,500 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पी फादर और मदर हुज इनकम बिफोर सच क्लबिंग इज हायर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज टेस्ट नंबर 3। आज हम लोगों ने MCQs डिस्कस करे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट लें और इसको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।